जिले के सिंधरी उपखंड मुख्यालय पर रविवार रात्रि को मेन बाजार के अंदर जीटी टावर के आगे एक अनियंत्रित पिकअप ट्रोले ने 7 व्यक्तियों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक पुरुष ने बालोतरा अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं सिंधरी ग्राम पंचायत में लगा हुआ LDC सहित 2 अन्य उपचाराधीन जिनका उपचार जोधपुर में चल रहा है, एक ही परिवार के 3 जनों की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया और ग्रामीणों ने चिकित्सालय स्थित मोर्चरी के आगे धरना दे दिया। वहीं धरने की सूचना के बाद मौके पर उपखंड अधिकारी वीर माराम पहुंचे व धरनार्थियों से वार्ता की। उपखंड अधिकारी द्वारा काफी देर तक समझाइश एवं आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना उठाया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस परिवार का हर संभव सहयोग किया जाएगा और सरकारी सहायता जितनी भी मिलती है वह उनके पूरे परिवार को दिलवाई जाएगी, साथ ही सरकार की तरफ से अन्य सहयोग भी दिलवाया जाएगा। जी, हमारा धरना ये था कि कल रात्रि को एक वाहन की टक्कर से भील समाज के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। एक बॉडी बालोतरा है और 2 बॉडी सिंधरी अस्पताल में, और प्रशासन से और हमारी बात हुई और धरने में बैठे परिवार के लोगों से बात हुई और परिवार प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया कि हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसके आधार पर हम लोगों ने धरना समाप्त किया। धरने पर ग्रामीणों ने मांग रखी कि प्रशासन मेन बाजार से चौराहे तक व्यापारियों के द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाएं एवं पुलिस तेज रफ्तार चल रहे वाहनों पर कार्यवाही करें, इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलवाएं। ज्ञापन देने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। धरने के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष निंबाराम प्रजापत, मितेश यति, समाजसेवी तोलाराम, भीम आर्मी अध्यक्ष दीपक मसानिया, मंगलाराम मकवाना, मंगलाराम वाघेला, अजय महेना, सामाराम सहित बड़ी संख्या में भील समाज के लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे।